प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बागपुरा थाना क्षेत्र के तंबोलिया में 2 माह पूर्व लापता हुई युवती के शव का कंकाल कुछ ही दूरी पर सरसों के खेतों में मिला। खेत में फसल की कटाई के लिए गए मजदूर ने कंकाल के अवशेष देखे, सोख गए। तभी सरपंच की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और FSL की टीम को बुलाया। थाना अधिकारी करमवीर सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के तंबोलिया में एक खेत में शुक्रवार सुबह कंकाल के अवशेष मिले। ग्रामीणों की सूचना पर थाना अधिकारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। शव करीब 1.5 से 2 माह पुराना लग रहा था और कंकाल में तब्दील हो चुका था। कंकाल के साथ लंबे बाल भी मिले, जिससे यह किसी युवती का लग रहा था। वहीं कंकाल अवशेष में तब्दील हो चुका था, जो कि खेत में बिखरा हुआ था। इसी के पास कपड़े और चप्पल भी मिले। इधर 2 माह पूर्व तंबोलिया की ही एक युवती मंजू पिता रामलाल निवासी तंबोलिया से लापता हुई थी, जिसके पिता ने थाने में मामले दर्ज भी करवा रखा था। सूचना पर वह भी मौके पर पहुंचा और कपड़े चप्पल के आधार पर अपनी पुत्री का कंकाल होने की बात कही। वहीं 21 दिसंबर को बागपुरा थाना के जगन्नाथपुरा में एक युवक का पेड़ से लटका एक शव मिला था, जिसका संबंध लापता युवी से प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है। पुलिस ने FSL की टीम को घटना स्थल पर बुलाया, जिसने घटना स्थल से कुछ साक्ष्य जुटाए। वहीं कंकाल के DNA के सैंपल भी लिए। पुलिस ने SDM से स्वीकृति लेकर कंकाल के अवशेष को MB अस्पताल की यूनिट में संरक्षित करवाए और लापता युवती के पिता की रिपोर्ट पर मर्ग में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।